575 ounces के एक नए नवेले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज के हमारे इस न्यूज एपिसोड में, जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले एपिसोड में भी बताया था, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द करंट इश्यूज एज फार एज द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज कंसर्न्ड। और आज का इशू ये है कि गौतम गंभीर को गुस्सा क्यों आया। गौतम गंभीर इतने गंभीर क्यों है, मैं ये क्लीशे को यूज नहीं करना चाहता। इट्स बिन यूज umpteen number of times, so I thought maybe we'll try doing it a little different. Why was Gautam Gambhir angry recently on social media? काफी चीजों पे उनको गुस्सा आता है, चाहे political issues हों, societal issues हों, पर ये वाला था around the 2011 World Cup, जो भारत ने दूसरा ODI World Cup अपने नाम किया, और वो iconic shot that's been replayed over and over again since that win, Mahendra Singh Dhoni hitting that ball for a six, and India of course winning the World Cup. हाल ही में Jamie Nikhil हमारे निखिल और मेरे जो दोस्त हैं ESPN क्रिकेट फॉर जेमी के भी पुराने दोस्त रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाली थी, बिकॉज इट वाज दिस डे दैट ईयर काइंड ऑफ ट्वीट, जिसमें लिखा हुआ था एमएस धोनी का यहां पे फोटो था, एंड मैं एक ट्वीट निकाल देता हूं, आई विल रीड यू एग्जैक्टली व्हाट इट रीड। ऑन दिस डे इन 2011 द शॉट दैट सेंट मिलियंस ऑफ इंडियंस इनटू जुबिलेशन। नाउ यू वुड थिंक दिस इज अ वेरी हार्मफुल हार्मलेस ट्वीट, इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब आप बस अपना दिस डे दैट ईयर कॉन्टेंट बना रहे हो सर, आप अपना, क्योंकि आपका काम है कॉन्टेंट बनाना। अब उस ट्वीट को रीट्वीट करके गौतम गंभीर जी ने वापस रिप्लाई किया है, जस्ट अ रिमाइंडर ESPN क्रिकेट इन्फो हमारे दोस्त, हैशटैग वर्ल्ड कप 2011 वाज वन बाय द एंटायर इंडिया, एंटायर इंडियन टीम एंड ऑल सपोर्ट स्टाफ, हाई टाइम यू हिट योर ऑब्सेशन फॉर अ सिक्स। अब सर, बिफोर आई आस्क यू गाइस टू कमेंट, 7159 रिप्लाइज एज वी स्पीक, 10.5k रीट्वीट्स एज वी स्पीक, 57.9k लाइक्स एज वी स्पीक। शुश, बहुत डिस्कस हुआ है, बहुत ओपिनियंस इधर उधर फेंके गए हैं। जेमी सर, आप बताओ उसके बारे में, इज ही ओवर रिएक्टिंग और इज ही बेसिकली पुटिंग अक्रॉस अ पॉइंट दैट्स नॉट जस्ट प्रेवलेंट इन यू से स्पेसिफिकली ESPN क्रिकेट इन्फो, बट इट्स अ मीडिया इशू ऑफ हाउ वी पोर्ट्रे थिंग्स एंड हाउ वी राइट थिंग्स एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट दे आर स्टिकिंग टू 140 कैरेक्टर्स। सर, बात उसकी है, अब यहाँ पे हर किसी का नाम नहीं लिख सकते आप बैठ के। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि गंभीर का थोड़ा बिटर होना जायज है, क्योंकि इट्स अ फैक्ट उनका जो 97 था उस इनिंग्स को कहीं भी इतनी कवरेज नहीं मिला है जितना धोनी का 91 मिला है और उस शॉट का। पर इस सिचुएशन में गौतम गंभीर ने मेरे हिसाब से सिचुएशन को गलत रीड किया है। आप क्रिकेट इन्फो का ट्वीट देखिए, वो कहीं भी धोनी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं उस शॉट का। The memory is that shot. लाखों करोड़ों जितने भी इंडियन क्रिकेट प्रेमी हैं, वो उस शॉट को याद कर रहे हैं। That shot could may have been hit by Suresh Raina, Yuvraj Singh, Piyush Chawla, anyone batting in the 11. बात है उस शॉट की। तो unfortunately, in my mind, Gautam Gambhir has picked the wrong tweet to go after. Had it been a piece talking about it's because MS Dhoni is 91 not out, took it, वहां बनता है वो। क्योंकि मेरे हिसाब से ये भी है, गौतम गंभीर का 97 is as vital to India's win as धोनी's 91. एक ने मैच बनाया, एक ने मैच खत्म किया। पर गंभीर ने जिस तरह से उस शॉट के बारे में वो ट्वीट किया, I found that to be frankly in poor taste. Also, Nikhil, right now युवराज सिंह has also come out a few days back. Content का तो यहाँ पे बाहर है, हर कोई ना कोई कोट दिए जा रहा है। युवराज सिंह ने हाल ही में भी एक कोट डाला था कि in that 2011 World Cup final, you know, and because of an illness, he was in the bathroom and he was puking a lot. And then he was seeing the way Gambhir and Dhoni were playing, especially Gambhir, and the way he was playing on the ball and the way he was batting. He's saying, I don't think I could have batted the way Gambhir batted that day. But you suppose he's overreacting or is this just a media issue, sir? देखिए, हम भी दूध के दूल्हे नहीं है। नहीं, वो तो है, उसपे चाहे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि इसमें मीडिया कितना बड़ा रोल है। पहली बात तो ये कि पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे 91 ऑफ एमएस धोनी वर्सेस 97 ऑफ गंभीर, मेरे लिए मैन ऑफ द मैच वाज गौतम गंभीर ऑन द डे। ही स्टेडीड योर शिप। हाँ, बिल्कुल, मतलब मैन ऑफ द मैच होता उस दिन का, वो मैच आप जीते, अगर वो भी उस टाइम आउट हो जाते, कोहली के साथ पहले पार्टनरशिप नहीं होती, फिर बाद में धोनी के साथ नहीं होती, तो मैच खत्म था। सहवाग, सचिन और गंभीर पवेलियन में होते, अटल लो, टोटल आप खत्म था। बहुत मतलब युवराज वुड अगेन हैड टू हैव प्लेड अ इनिंग्स आउट ऑफ हिज स्किन बाद में जाके टू सेव देम, वो होता है नहीं, पता नहीं, दैट्स कंजेक्चर। बट मैन ऑफ द मैच अगर आप मेरे से पूछे तो वुड हैव बीन गौतम गंभीर। मच लाइक अगर आपको याद हो, क्योंकि आजकल उनकी हाईलाइट्स भी चल रही है, 1992 वाला इंडिया पाकिस्तान मैच याद आ जाता है, उसमें सिद्धू वॉज द टॉप स्कोरर, जडेजा ने आके नीचे पिटाई जरूर की, बहुत तारीफ भी हुई, बट मैन ऑफ द मैच जडेजा नहीं थे, मैन ऑफ द मैच वॉज
नवजोत सिद्धू फॉर दैट नॉक दैट ही प्लेड एट द स्टार्ट. सो अगर वो एज अ क्लोजेस्ट थिंग आई कैन कंपेयर इट टू एट द मोमेंट. तो मैन ऑफ द मैच पहली बात गौतम गंभीर है. हाँ, अब इस चीज का उनको मलाल है कि उनको ना तो मैन ऑफ द मैच मिला और उसके बाद चल के ये धोनी के बहुत चर्चा भी हुई. थोड़ा सा मैं इसमें आपको ना गौतम गंभीर को भी समझना पड़ेगा, क्या उनको ये पर्सनल मलाल है या उनका कुछ नेचर वैसा है. वट एवर आई थोड़ा सा जो उनको फॉलो किया है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा मेरे दोस्त है, बट उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया है एज अ जर्नलिस्ट, एक चीज साफ हो जाती है, ही इज कंसिस्टेंट इन हिज बिहेवियर. तो मुझे नहीं लगता वो अपने इंडिविजुअल नॉक को इतनी क्रेडिट नहीं मिला उसको लेकर खफा है. वो ज्यादातर इस चीज को लेकर खफा होते हैं टीम स्पोर्ट पे कि आप एक को हीरो बना देते हैं. आप अगर उनके इंडियन क्रिकेट के टाइम में भी देखे ना, जब उनके वो स्टेटमेंट आके देते थे तब भी वो बड़ा टीम सेंट्रिक देते थे. जब केकेआर के कप्तान थे तब भी कोई बोलता है ये अच्छा कर रहे हैं वो, हमें बड़ा लगता था क्लीशे स्टेटमेंट है कि नो आई डोंट वांट टू टेक आउट इंडिविजुअल्स, टीम ने किया. बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एज अ पर्सन ही इज लाइक दैट. He's a believer in team. He doesn't like to single out people. शायद वो MS धोनी नहीं, कोई और भी होते जिनकी ज्यादा तारीफ हो रही होती तो भी वो शायद मुझे लगता है ये चीज मेंशन करते. अगर उन्होंने 97 उस दिन ना भी बनाए होते शायद मुझे लगता है तब भी वो एक ऐसे शख्स है जो अपनी ओपिनियन देने से डरते नहीं और वो ये ट्वीट करते और लिखते कि एवरीवन इज वन. आपने युवराज की बात की, आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दैट ट्वीट. मोर देन दैट ट्वीट, अभी ये ट्रेंड ऐसा है, युवराज ने दो उसी टाइम पे जब गंभीर ने ट्वीट किया युवराज ने भी एक ट्वीट किया जो बहुत लोग मिस कर गए. उन्होंने रवि शास्त्री को ट्वीट किया क्योंकि रवि शास्त्री ने लिखा व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज 2011 वर्ल्ड कप को याद करते हुए एंड ही मार्क विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, टू विच युवराज सिंह रिप्लाइड सीनियर हमें भी याद कर लेते, हमें भी माफ कर लेते, हम भी उस टीम का हिस्सा थे. तो फिर रवि शास्त्री के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने लिखा हाँ जूनियर आप सिर्फ हिस्सा ही नहीं थे, आप तो चैंपियन थे, मैन ऑफ द सीरीज थे. तो ये कहीं ना कहीं सही सब तेरों में थोड़ा एज अ टीम स्पोर्ट में मलाल आया है कि भाई एक आदमी को सारा आप क्रेडिट दे जा रहे हो. पर निखिल मीडिया टू बी ब्लेम्ड है. हाँ हाँ जी सॉरी, युवराज सिंह की बात मैं समझता हूँ के ट्वीट में ऐसा क्या था. आपने बिल्कुल सही कहा, हार्मलेस था. I don't think that was giving credit, but I think उन्होंने उस ट्वीट को एज अ कैटलिस्ट यूज किया and चाहे वो ESPN हो या किस में भी हो, हम सबने उसको ग्लोरीफाई किया, पूरे मीडिया ने, एंड that includes all media including ESPN cricket for everyone. तो उन्होंने वो चीज को ना कैटलिस्ट कह रहा हूँ उसको. अब उन्होंने देखो एग्जैक्टली वो ट्वीट तो आया नहीं, शायद उनको याद आया अच्छा ये फिर उस चीज की चर्चा हो रही है तो मैं एक पॉइंट आगे रखना चाहता हूँ. थोड़ी सी लूज बॉल मिली है तो इस पे चौका मार देते हैं, मतलब यू नो मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल वो ट्वीट वॉज वेरी हार्मलेस, आई अग्री विद यू, दे आर नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ धोनी वो जीते. हाँ. उनका सही कहना था कि ये शॉट के लगते ही इंडिया वेंट टू जुबिलेशन. बिल्कुल सही आपने कहा, चाहे रैना मारते कोई भी मारते, और वो विनिंग शॉट अगर एज होता सिंगल के लिए थर्ड मैन तक तो इंडिया पागल हो जाती, चाहे वो फ्लिक होता एक रन के लिए. बिल्कुल इसलिए मैं कह रहा हूँ उनका उसका वो सॉफ्ट टारगेट जो है, एक सॉफ्ट टारगेट ट्वीट को पकड़ना अपनी शायद अपनी माइलेज के लिए जो भी है. I don't think Gautam Gambhir comes across as a guy who's looking for mileage. बिल्कुल you're right, not mileage. He wanted to make a point. He is an opinionated guy. आप जानते हैं. He has a point. He'll make it. बिल्कुल. Correct. तो उनको वो tweet से लगा हाँ this is maybe a good context या एक catalyst जहाँ पे मैं अपना point रख सकता हूँ. हालांकि tweet didn't exactly mean that. तो उसको use करके अपना point सामने रख दिया. So hence perhaps in bad taste then. See if you would have thought this is done in bad taste because it's a tweet. He would have pulled it out. That tweet still remains, sir, and it still keeps getting circulated as we speak, and more people. He won't take the tweet down, man. He won't take the tweet down. A, and B. See, I. The bigger question is this: maybe he's reacted to that, or uske dimag mein kuch hai. Has he got the due for what he did in that World Cup final? विराट कोहली अगेन वेरी क्रूशियल 35 दैट टाइम, पर गंभीर ने पूरा वर्ल्ड कप फाइनल है यार, देश वहां बैठा है वांकड़े में.
अच्छी टीम थी श्रीलंका, दे गॉट टू द फाइनल. गंभीर ने मैच बनाया, धोनी ने मैच खत्म किया, बोथ और इक्वल. ये है, मैंने शुरुआत में कहा था अगर वो बिटर है तो वो पूरा जायज है. मेरा प्रॉब्लम ये कि आपने उस ट्वीट को पकड़ा जहां पे वो सिर्फ शॉट के बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स माय थिंग. ही हैज नॉट गॉट द ड्यू क्रेडिट. ये तो फैक्ट है. पर एक ना ये रियलिटी भी है अर्जुन कि ना ये स्पोर्ट में थोड़ा हीरो वर्शिप है, चाहे उसमें आप मीडिया को खुशी डालें या फैंस को. अच्छा अब आपने जैसे कहा, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ हिज ट्वीट ओनली. जैसे आपने कहा ना इतने थाउजेंड ट्वीट, इतने वो जो हो रहे हैं वो रीट्वीट, आई मे नॉट जज दैट एज एन अप्रूवल ऑफ द ट्वीट, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उसको रीट्वीट या लाइक इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो गौतम गंभीर के फैंस है, चाहे वो उनके गौतम गंभीर एज अ प्लेयर है या गौतम गंभीर एज अ पॉलिटिशियन नाउ, उनके भी कई फैंस हैं. वो दोनों चीजें जोड़ के हो सकता है बहुत लोगों ने लाइक रीट्वीट किया, अग्री करते हो या नहीं, उनको ड्यू नहीं मिला. अच्छा अब एक फुटबॉल का एग्जांपल ले लेना. पिछले कुछ सालों में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने कई चैंपियंस लीग खिताब जीते हैं, ठीक है, हर साल. पर वो जरूरी नहीं है फाइनल में रोनाल्डो या मेसी गोल मारते हैं, ठीक है ना, लेकिन बैलन डी ओर एट द एंड ऑफ द ईयर सुपरस्टार को जाता है, या रोनाल्डो जीत जाते हैं या मेसी जीत जाते हैं, थोड़ा हीरो वर्शिप होता है. अगेन not over the season, agar MS Dhoni ko itna pyar mila hai, it has happened because of all things that he's done together. Wo six is a celebration of things he's done over the years, not suddenly. Agar jaise Jamie ne kaha, ho sakta hai us agar us waqt wo six us Virat Kohli ne mara hota, jo 2011 ke Virat Kohli the jo itne bade star nahi the, shayad itna celebrate nahi hota wo six, kyunki wo MS Dhoni ne mara. It makes a huge difference. So, ये चीजें हैं which we have to, it's a reality of sport. मतलब आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. No, but I think it must be celebrated then that you have someone who has an opinion. Now, whether you might agree with them or not. बिल्कुल. And ये, sir, ये बड़े दर्जे का खिलाड़ी है. ये मतलब top level का खिलाड़ी है जिसकी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं. He is not some mid level player or you know player who's just been there. Could I go ahead and say that he's possibly the best person to not have captained India? I mean, you know, but he did captain in a very brief spell, right? He was a stand-in captain. Jaise aajkal Rohit Sharma ka time chal raha hai. That time he was the stand-in captain. Do teen series kiye. I think they won 1-5-0, 1-4. So hai, wo record hai. And look, the stats say he's India's fourth most successful Test opener. Okay. इंडिया के जो इस अंडर धोनी जो दो वर्ल्ड टाइटल जीते हैं वो थ्री फिगर इन द चैंपियंस ट्रॉफी 2007 में फाइनल में 75 मारा इक्वली इंपॉर्टेंट इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान दैट टू इन द फर्स्ट टाइम इन अ सीरीज इंडिया वर नॉट एक्सपेक्टेड टू इवन कम्पीट इन एंड देन ऑफ कोर्स दैट 97 ही इज बीन नंबर वन रैंक यू नो दैट नेपियर नॉक व्हेन ही बैटेड फॉर अ डे और समथिंग नो वन इज टेकिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी ही हैज एन ओपिनियन ये भी है कि हिज ओपिनियन एंड आई एम सेइंग दिस इन ऑल सिंसियरिटी इनका ओपिनियन ऑन ट्विटर में आई फॉलो हिम हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड सिंस द टाइम ही वाज एंडिंग हिज करियर एंड हेडिंग टुवर्ड्स पॉलिटिक्स नो वन कैन डिनाई दिस द ओपिनियन ऑन ट्विटर हैज इंक्रीज्ड इन दिस लास्ट टू इयर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस बट एक और चीज है बेबाक वो हमेशा थे इवन एज अ प्लेयर बिल्कुल ऐसे प्लेयर रहे हैं जो अपने कप्तान के मतलब जो उनको लगता था वो बोलते थे मैंने उनको इंटरव्यू किया है उनका वो मतलब बेबाकपन जो था वो हमेशा था कैन यू इमेजिन जब वो ऑस्ट्रेलिया में सबको याद होगा वो लास्ट बॉल तक बॉल लेके जाना पोस्ट मैच में आके सीधा उन्होंने बोल दिया था कि कोई जरूरत नहीं है लास्ट बॉल तक ले जाने की अगर आप 49th ओवर में खत्म कर सकते हो तो करो डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट हिज कैप्टन ऐसे बहुत कम लोगों दम होता है बोलने के लिए कि आके वो कुछ भी बोल दे और उनमें से वो हैं जो चीज उनको पसंद नहीं है वो बोलते हैं क्या आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो अगेन दैट्स बैक टू धोनी क्या इनके बीच में कुछ है मुझे मतलब ऐसा कोई कभी कभी ऐसे पर्सनली मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ है जितना मैंने गौतम गंभीर को एज अ जर्नलिस्ट भी जब कवर किया ना
ही वॉज नॉट कि बहुत लोगों के साथ दिखेंगे वो आपको, उनके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते थे, वो उनके साथ ही रहते थे. मुझे जो दो एक टाइम पे था वीरू एंड गंभीर काफी रहते थे, पर उनसे भी ज्यादा वो, क्योंकि वीरू के और भी काफी फ्रेंड्स थे, बाहर जाते थे वो लोग, बट गंभीर सिर्फ ईशांत और अमित मिश्रा के साथ ही आपको अक्सर नजर आते थे. बहुत वो लिमिटेड, मतलब जैसे मैं क्या कहूँ, बहुत रिजर्व किस्म के इंसान हैं और वो बहुत रिजर्व रहते हैं. उनके जैसे हमने टिप्स सिर्फ आप धोनी के बारे में क्यों बात करें, कोहली के साथ भी हुआ, बट व्हाट आई लाइक अबाउट गंभीर ये है कि पर्सनल अगर कुछ भी हुआ हो, जब तारीफ भी करनी होती है, चाहे कोई भी, अभी जैसे कोहली के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले, अगर उनको कोई चीज सही लगती है खड़े हो जाते हैं, नहीं ही विल सपोर्ट हिम ऑल्सो. सो ही इज वेरी रेयर काइंड ऑफ अ गाय जो हु डजंट शाय अवे, हु डजंट थिंक कि लोग क्या सोचेंगे, उनकी जो ओपिनियन है वो चीज वो आके बाहर बोल देते हैं. मतलब ये मैंने उनके साथ कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व किया है. एंड आल्सो अ वेरी गुड कैप्टन इन आईपीएल एज़ वेल, यू नो. बट एक्चुअली हां, मैं वो कैप्टनसी पे अर्जुन जा रहे थे ना, मैं वही सोच रहा था कि क्या वो बन सकते थे कैप्टन. कैप्टन बहुत अच्छे थे, दमदार थे, जैसे आप आईपीएल के बारे में बात करें. शायद देखिए वनडे में कोई चांस नहीं था, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एमएस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स वी हैड, तो जबरदस्ती किसी लगने का कोई मतलब भी नहीं था. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा लगता था कि कई बार यू नो एमएस धोनी वाजंट एज शार्प एज ही वाज इन अ लिमिटेड ओवर फॉर्मेट एज अ कैप्टन. हो सकता था, एक टाइम था, और इसके बारे में अगर आपको याद हो, चर्चा हो भी रही थी, ये बड़ी पुरानी कहानी है. इन आई थिंक अर्जुन इज गॉट, अर्जुन आर यू बैक? क्योंकि आप कप्तानी के बारे में बात कर रहे थे, मैं उसी पे सोच रहा था. आई थिंक ही कुड हैव बीन अ कैप्टन, नॉट इन वनडे, क्योंकि वनडे में हम सब जानते हैं एमएस यू नो फाइनेस्ट कैप्टन दैट वी हैड, तो जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं थी. बट टेस्ट क्रिकेट में एक टाइम ऐसा था जहाँ लग रहा था कि एमएस इतने शार्प नहीं थे जितने लिमिटेड ओवर्स में नजर आ रहे थे. एक समय था जहां मुमकिन था कि आप गौतम गंभीर जैसे शख्स को टेस्ट की कप्तानी दे सकते थे. देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड जहां मुझे लगता है वो हो सकता था. और अगर आपको याद हो, इसके पीछे क्या पता ये हो भी जाता, यू नो दिस फेमस स्टोरी, जब मोहिंदर अमरनाथ चिका वाली जो सिलेक्शन कमिटी थी, दे हैड डिसाइडेड to remove MS as the test captain. This had been decided by the selection committee meeting. उन्होंने ये decision ले लिया, लेकिन उस वक्त जो secretary थे, उन्होंने बोला नहीं, मैं इस पे sign नहीं करूँगा because he's a convener. उन्होंने phone लगाया to the BCCI president then, N. Srinivasan, और कहा ये decision लिया है selection committee ने, क्या किया जाए. N. Srinivasan ने बोला ये नहीं हो सकता. उन्होंने जब selectors ने बोला ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने constitution जो है BCCI की वो पढ़ के बताई कि veto power stays with the BCCI president even in matters of selection, वो वीटो कर सकते हैं. तो उन्होंने अपना वीटो पावर यूज किया और इंश्योर किया कि MS की कप्तानी बरकरार रहती है टेस्ट क्रिकेट में. शायद अगर वैसा ना होता, who knows, it could have been your test captain or someone else as your test captain, not him. And I think बहुत लोग ने देखा होगा, just to add a little bit of fuel here. कितनी बार आईपीएल में चेन्नई वर्सेस केकेआर जब धोनी बैटिंग करने आए मिडिल में, थोड़ा जल्दी बिफोर द डेथ ओवर, जहां पे ब्रैड हॉग हो या कुलदीप यादव हो या वन ऑफ द स्पिनर पीयूष चावला, गौतम गंभीर खुद हेलमेट पहन के सामने आ गए. तीन चार फील्डर आ गए. इससे फॉर मी इससे बड़ा स्टेटमेंट एंड आई कैनॉट सी एनी अदर इंडियन क्रिकेटर डूइंग दिस. तो इनमें वो है कि भाई मैं ये करूंगा एंड आई फुली बिलीव. एंड मोस्ट टाइम्स धोनी वॉज एक्चुअली केप्ट वेरी क्वाइट अगेंस्ट केकेआर. तो आई लाइक आई सेड कुछ है समथिंग अबाउट हिम ब्रिंग्स व्हेन धोनी कम्स ब्रिंग्स आउट दिस एक्स्ट्रा फायर इन गौतम गंभीर व्हिच आई लव टू सी ऑन द क्रिकेट फील्ड. वैसे ये वाला एपिसोड भी थोड़ा फायरी निकला. बीच-बीच में मेरी यहां पे फायर आउट हो जा रही थी बिकॉज़ ऑफ बैड वाईफाई, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. वी डिडंट मिस यू, बट दिस वाज अ नाइस लॉकडाउन में सब चलता है. निखिल नाज, जेमी ऑल्टर, एज ऑलवेज थैंक्स सो मच फॉर योर टाइम, एंड वी ऑफ कोर्स विल गेट टुगेदर ऑन द वीकेंड गाइस एंड ट्राई पुटिंग टुगेदर अ नाइस फीचर शो फॉर यू. जस्ट अनदर रिमाइंडर, गो ऑन इंस्टाग्राम न्यूज़क्लिक स्पोर्ट्स, फॉलो करो, यू विल गेट इंफॉर्मेशंस ऑफ ऑल आवर लेटेस्ट एपिसोड्स, व्हेदर इट्स ऑन 575 और 420 ग्राम्स, दैट्स आवर इंडियन फुटबॉल शो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय. Thank you.